भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है। यह दिन हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस साल जन्माष्टमी के दिन एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि इस दिन जयंती योग बन रहा है, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय हुआ था। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस दिन की पूजन विधि एवं सामग्री। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में सनातन धर्मावलंबी मनाते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। हमारे पुराणों में आया है, ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नरा प्राज्ञा व्याजा व्याधस्य दानने। जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं वे वन में व्याघ बाघ इत्यादि की योनि में जन्म लेते हैं, दुखों को प्राप्त करते हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जन्माष्टमी व्रतम ये वे प्रकुर्वन्ति नरोत्तमा कार्यंतवा लोका लक्ष्मी तेषां सदा स्थिरा। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का मनाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा कृपा पूर्वक निवास करती है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का यह जो व्रत है वो 26 अगस्त 2024 के दिन होने जा रहा है। हिंदुओं का यह बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और साथ ही यह जयंती योग भी उपस्थित रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 26 अगस्त की मध्य रात्रि में 12:00 से 12:45 तक भगवान कृष्ण के जयंती के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान कृष्ण का पूजन अभिषेक हमको करना चाहिए। एक किसी चौकी पर भगवान कृष्ण की, भगवान बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति को स्थापित करें, एक परात में रखें। उस परात में भगवान का दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत पित्र गुलाब जल से भगवान को स्नान करावें। तो पुरुषोत्त के मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात भगवान को शुद्ध जल गंगा जल नर्मदा जल इत्यादि से स्नान करा करके पीताम्बर पीले वस्त्र भगवान को धारण कराना चाहिए। गंधक्षत से भगवान का पूजन करें, विभिन्न प्रकार के पकवान भगवान को अर्पित करें और साथ ही धने की पंजीरी जो रहती है, धने को पीस करके भून करके शक्कर घी इत्यादि मिलाकर के पंजीरी बनाई जाती है, वह भगवान को अर्पित करें, मक्खन अर्पित करें, मिश्री अर्पित करें। इस प्रकार भगवान की जो प्रिय वस्तुएं हैं वह भगवान को अर्पित करना चाहिए और गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान कृष्ण के जो विभिन्न मंत्र हैं उन मंत्र का व्यक्ति को जप करना चाहिए। और यह जो 26 अगस्त के दिन विशेष योग बन रहा है, सोमवार का दिन है, वृषभ राशि का चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र है मध्य रात्रि में, अष्टमी तिथि रहेगी, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जयंती योग है, तो बड़ा अद्भुत योग है। इस योग में यदि हम भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित ही हमारे जो सारे पाप हैं वो तो सारे पाप कट जाएंगे और सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होगी। भगवान का पूजन करके आरती करें, जन्मोत्सव मनाएं, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जो अपने घर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाता है, जिस प्रकार बाबा नंद ने भगवान कृष्ण के जन्म में अपने घर पर जन्मोत्सव मनाया था और उसी प्रकार जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है।